टेढ़ा है पर मेरा है। मजाक में बोले गए एक फीमेल पार्टनर के इन शब्दों से किस तरीके एक आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई। जी हाँ, आई एम टॉकिंग विद द पिनाइल कर्वेचर, पीनिस का टेढ़ापन, पीनिस का कर्वेचर। नमस्कार, मैं हूँ आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और ये चैनल डॉक्टर अरोड़ास क्लिनिक के थ्रू मैं आप लोगों की मदद करने के लिए, जो आप लोगों के जहन में उठते सवाल हैं उनके सही जवाब देने के लिए, हर रोज़ करीब करीब एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल पे, ताकि आप सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी हासिल कर सकें। चलिए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले हमारी क्लिनिक में एक पेशेंट आया, ये उसी की कहानी है जिसको उसकी फीमेल पार्टनर ने मजाक मजाक में ये शब्द बोल दिए। जब उसका पीनिस खड़ा था, देवर अबाउट टू हैव सेक्स, उसके पीनिस को देख के शी सेड के टेढ़ा है पर मेरा है। ये बात उसके यहाँ और यहाँ इस कद्र जाके लगी कि ही डेवलप्ड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसी वक्त से लेके अभी तक जब वो हमारी क्लिनिक में आता है, जिस दिन उसको इरेक्शन होना बंद हो गया, बिकॉज उस बात को इस तरीके दिल पे लिया गया, अपने आप में इतनी एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर ली गई, जबकि वो बात शायद सिर्फ और सिर्फ मजाक में बोली गई थी। मगर एक आदमी के लिए उसका पीनिस कैसा दिखता है, कितना लंबा है, कितना मोटा है, रंग कैसा है, टेढ़ा है, सीधा है, अपवर्ड है, ये सारी चीजें बहुत बहुत मायने रख रही होती हैं। सो पीनिस का टेढ़ा होना उस आदमी के आत्मविश्वास को इस तरीके चीर के गया कि उसके बाद वो अपने पार्टनर के सामने कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पा रहा था। सो मैंने सोचा ऐसे कितने लोग होते होंगे जिनको शायद कभी पार्टनर ने बोला या नहीं भी बोला, तो उनके अपने जहन में चलता है, यहां अपने अंदर चलता है कि मेरा तो टेढ़ा है, मैं क्या करूंगा, कोई लड़की मुझे देखेगी, कुछ करने लगूंगा तो शी लाफ एट मी, मेरा मजाक बनाएगी, या मेरे दोस्त कभी देखेंगे तो मजाक बनाएंगे। चलिए इसी को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि कर्वेचर होता क्या है और किस कर्वेचर की आपको टेंशन लेने की जरूरत है और किसकी नहीं। मैक्सिमम लोगों का पीनिस लेफ्ट या राइट थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ मैन, बिकॉज जब आप कपड़े पहनते हैं तो आपका लिंग ऐसे लटकता नहीं रह सकता है। आपका पीनिस एक तरफ आप अपने अंडरवियर में एडजस्ट करते हो, बिकॉज आज की दुनिया में मैक्सिमम लोग डेनिम्स या नॉर्मल ट्राउजर्स पैंट्स पहनते हैं, वो धोती पहन के बिना कच्छे के या लूज कच्छे के साथ धोती पहन के लटकते हुए पीनिस वाले जमाने गए। आज हम टाइट कपड़े पहनते हैं, अंडरवियर्स पहनते हैं, तो पीनिस को आप एक तरफ एडजस्ट करके रखते हो और वो जो ऑर्गन घंटों घंटे 24 घंटे ही उस तरीके पड़ा रहे, तो उसमें थोड़ा सा कर्वेचर होना इज क्वाइट नॉर्मल एंड नेचुरल। अगर इस वक्त देखने वाले लोग आप मेल हैं तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दिस स्मॉल लिटिल कर्वेचर, और अगर आप फीमेल हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नेवर गिव एनी काइंड ऑफ कमेंट ऑन योर पार्टनर्स पीनिस, ये उसको यहां और यहां बहुत बुरे तरीके हिट कर सकता है। सो अगर कर्वेचर थोड़ा सा है और आप सेक्स आराम से कर पा रहे हैं तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग, एक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको इसके कोई इलाज की जरूरत नहीं, किसी तरीके के तेल क्रीम कुछ भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर यदि कर्वेचर ऐसा है जिसके कारण अंदर पेनिट्रेट करना ही मुश्किल हो रहा है, या उसमें दर्द हो रहा है, या कोई गांठ जैसा कुछ महसूस होता है, फिर सचेत होने की जरूरत है। डरने की फिर भी जरूरत नहीं है, परेशान होने से या डरने से कुछ हल नहीं होते हैं, फिर सचेत होने की जरूरत है। अगर आप कर्वेचर ऐसा है जो आपकी सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब करने लग गया है, सिर्फ आपके विचारों को नहीं, आपकी सेक्स लाइफ को असलियत में डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप अपने इलाके में चाहें तो किसी अच्छे यूरोसर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो किसी सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, मगर प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल ओपिनियन लिए बिना अपने आप में कुछ भी डिसाइड मत कीजिए। और अगर थोड़ा सा कर्वेचर है जिससे आप सेक्स आराम से कर पा रहे हैं, उसको बिंदास भूल जाइए, उसको सोचने की कोई हरगिज जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके कीप एंजॉइंग your sex life.
और अगर इसके बाद आपका पार्टनर या किसी का भी पार्टनर चाहे मजाक में बोल दे कि टेढ़ा है पर मेरा है, आगे से आप भी हंस के कह दो हाँ मुझे पता है टेढ़ा है पर मेरा है, डोंट मेक इट अ टेंशन. Keep enjoying your sex life. Don't forget to subscribe to this channel so that you can stay updated related to sexual health knowledge. Keep enjoying.